thinking about you, what we've been through. I'm stuck going for it. You gotta go, it's what you said, and since then I've been on the field. I think that I just lost my mind, dude, like it was fucking real, yeah. I've been hurting myself, I don't need you. Probably can't see the light, cause you see through. Money got me swinging, rapping like I need to. Got a double cup and took it everywhere I've been to. I'll tell you how I feel, got me sipping every night. Sipping on that evening, I don't feel a pie. I'll take these drugs just to get it on my mind. सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम रेस करने जा रहे हैं एमटी वर्सेस अपाचे 4V का, और ये रिजल्ट दोबारा हम कर रहे हैं। एक बार मेरा कैमरा हैंग हो गया, धोखा दे दिया, तो रेस फेल हो गई, मतलब रेस हो गई लेकिन शूट नहीं कर पाए पूरी तरह। तो फिर से हम ये रेस करते हैं, और हमारे सामने एमटी है, नॉर्मल एमटी है नहीं, ये मॉडिफाइड एमटी है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कस्टमाइज हैं, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा है आपका, और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, जो कि इसकी टॉप एंड भी ज़्यादा है, नॉर्मल एमटी से ज़्यादा है इसकी टॉप एंड। और हमारे साथ ये स्टॉक बाइक है अपाचे 4V 200, BS6, वो BS4 है, और इसमें 200 cc आता है, उसमें 155 cc इंजन आता है, 19 PS पार आती है, 20 PS पार आती है। इन सबको देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं रेस करके, क्या रिजल्ट होने वाला, कौन सी बाइक यहाँ पे जीतेगी और कौन सी बाइक नहीं जीतेगी, तो इन सब का हम देखते हैं करके। और हमारे साथ राइड करेंगे अविनाश भाई, और चलिए सॉरी हमारे साथ राइड करेंगे शिवांश भाई, इनका यूट्यूब चैनल जाके सब्सक्राइब करो। चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है, जल्दी से करते हैं, कैमरा बहुत धोखा दे रहा है। चलो भाई में, जैसा कि आपने देखा फिर से एमटी निकल, निकल गई है, और मेरे को कैमरा साला बार बार देखना पड़ता है, इतना हैंग हो रहा है मेरा गोप्रो आजकल, क्या ही मैं बताऊं। तो आप देख सकते हैं एमटी जो है वो निकल गई भाई, एमटी निकल गई है आपको, मजा आ रही है रेस दोबारा करना पड़ रहा है, साला बड़ा मेहनत हो जाता है, GoPro धोखा दे देता है, तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। अपाचे पीछे है मेरे, और मैं लगा हुआ हूँ एमटी के पीछे, और स्लिप स्ट्रीमिंग की मदद से मैं एमटी के पीछे बना हुआ हूँ, और लग रहा है मैं आगे निकल जाऊंगा लगता है, लेकिन नहीं, विंड की वजह से फिर पीछे आ जा रहा हूँ, आगे निकल नहीं पा रहा मैं। जैसे मैं एमटी के पीछे से हट रहा हूँ, ये बाइक फिर से पीछे जाने लग रही है, तो एमटी की फिर से हेल्प लेते हैं, स्ट्रीमिंग की थोड़ी हेल्प लेते हैं। अपाची का मीटर जो है वो एरर है, पता नहीं कितना चल रही होगी, आगे तो नहीं आएगी इतना तो मुझे भी पता है कंफर्म। एमटी आगे है अभी, बहुत ही तड़ाकेदार एमटी भाग रही है, तड़ाकेदार 143, मजा आ रही है भाई, मजा आ रही है। अपाची पास में ही थी, ज़्यादा दूर नहीं थी, पास में ही थी। तो ज़्यादा दूर एमटी थी नहीं वैसे, पास में ही थी अपाची के, और फर्स्ट राउंड में लेकिन एमटी जीती है। तो चलिए गाइस, अब हम सेकेंड राउंड करने जा रहे हैं, अब देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। मैं चलाऊंगा अपाची 4V 2
200 और ये चलाएंगे एमटी अपनी वाली जो कि खुद की बाइक ऑन करते हैं और इनके हाथ में अच्छा चलेगी साथ मेरे हद से ज़्यादा क्योंकि जिसकी बंदरी है उसी से नाचती है ये डायलॉग है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं रेस को शुरू करते हैं और देखते हैं। कैमरा देख लो एक बार फिर से। भाग नहीं पाई थी। चलो अब करते हैं। मजा ये एंटी बहुत सही। तो ये परफेक्ट शेप फोर्थ फिफ्थ अब आ गई मजा। अरे भैया तगड़ा भाग रही है ये भी तगड़ा भाग रही लेकिन वो गई आगे। तगड़ा भगड़ा ये दिखाओ पाचे अब एमटी से ना जीत पाओगी तो अब लग गया हमारा से क्लियर। हम थोड़ा आराम करते हैं मस्त चलेंगे और आपको दिखाते हैं एमटी के टॉप स्पीड। जा रही है मेरी धन्नो इज्जत का सवाल है बेटा भाग जा। सो गाइस हर बार की तरह जैसा कि आपके सामने सेम रिजल्ट था एमटी जीत गई और ये हार गई और काफ़ी बढ़िया लगा रेस करने में बहुत मज़ा आई भाई आपको भी मज़ा आएगी वीडियो एंजॉय करने में। ज़्यादा लंबा वीडियो था नहीं थोड़ा छोटा ही बन गया इस बार और होप करते हैं एंजॉय किया वीदियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक क्लिक टिल देन बाय बाय। राइट से हेलमेट सब पहनो सेफ राइड करो बाय बाय।